अब क्या है? मेरी बात हो गई है मेरे लॉयर से। तुम कैसी बात? और तुम बहाने बहाने से मुझे बार बार फोन क्यों करते हो? मुझे तुमसे बात करने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो अभी के अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अच्छा, फोन क्यों किया है? पूरी बात सुनती नहीं हो तुम। और एनीवेज, कल अगर तुम्हारी वकील जमानत की दरख्वास्त दे दे, मेरा वकील तुम्हारी मुखालफत नहीं करेगा बल्कि मदद करेगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, वो तुम बड़े लोगों का कुछ पता नहीं होता है ना, कब मजाक करो कब सीरियस हो जाओ। तुम अपनी वकील से बात करो, कल सुबह अगर उसने अच्छी तरह से दरख्वास्त जमा करा दी तो कल इस वक्त तुम्हारे वाले तुम्हारे घर पर होंगे। अदालत जितनी रकम मांगेगी मैं उसका बंदोबस्त कर दिया है। मेरा वकील तुम्हारी मदद करेगा। और बदले में? तुम्हें मालूम तो है क्यों बार बार मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। मुझे अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ किरण कि तुम मुझसे या मेरी मोहब्बत से मुतासर होकर शादी नहीं कर रही हो, सो प्लीज मोहब्बत का ढोंग मुझसे मत करना। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हमेशा मोहब्बत की बुनियाद पर होती है, लेकिन ये दुनिया की पहली शादी होगी जो नफरत की बुनियाद पर होगी। इसलिए कल शाम 4 बजे, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं। आप उसकी वकील से बात करें। लेकिन आप तो कह रहे थे कि किरण बात करेगी। हाँ, लेकिन कानूनी दाव पेश तो आप ही बताएंगे ना उसे। ठीक। दिखाऊंगी। खैर छोड़ें, ये आपके बस का काम नहीं है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बाय द वे, जमानत के ग्राउंड्स क्या होंगे? देखिए, तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत में बयान देगा कि उसके पास नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं साहब अली की बेगुनाही के, और अदालत में मैं भी आपको फेवर करूंगा इस सिलसिले। वेरी गुड, यानी कि सारा इंतजाम आपने खुद कर दिया। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? इस क्यों का जवाब तो आप अपने क्लाइंट की बेटी किरण से पूछें। मुझसे जितना कहा गया था मैं बस वही कर रहा हूँ। ओके। वेरी गुड।